हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी रिक्रूटमेंट 2017 की वैकेंसीज आ चुकी हैं और सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि नई गवर्नमेंट बनने के बाद वैकेंसी आए, और वैकेंसी आना स्टार्ट हो चुकी हैं। वैकेंसी आ रखी हैं, 1218 वैकेंसीज़ हैं और 1218, ठीक है। तो आप सभी को ये इन्फॉर्म कर दूँ कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं, ये 12th बेस पे हैं और काफ़ी वैकेंसीज़ हैं और बहुत सारे लोग भर सकते हैं इसे। तो आप, आई होप आप इस वैकेंसी को भरेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा बल्क में वैकेंसी उत्तराखंड में बहुत ही कम आती हैं, तो आपकी चांसेस, आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाती हैं सिलेक्शन होने के। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्या एग्ज़ाम के लिए। अगर हम पोस्ट की बात करें तो ये फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है, वन रक्षक जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। एससी की 310 वैकेंसी हैं, एसटी की 74 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 211 वैकेंसी हैं और जनरल की 623 वैकेंसी हैं। तो आप देख सकते हैं कि जनरल की 623 हैं और ये बाकी सारी एससी की 310, एसटी की 74 और ओबीसी की 211, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं ये, ठीक है। पहले कम आती थी वैकेंसीज, कि पहले लोग काफ़ी फॉर्म भरते थे और वैकेंसीज भी नहीं आ पाती थी, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं वैकेंसीज काफ़ी हैं, तो आपके चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ चुकी हैं, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 से 24 जनरल के लिए हैं और ये काउंट की जाएगी 1/7/2017 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ओबीसी एसटी एससी के लिए कुछ रिलैक्सेशन है, अपर एज रिलैक्सेशन जो हर एग्ज़ाम में उत्तराखंड के होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने इंटरमीडिएट पूरा होना चाहिए, इंटरमीडिएट, और एग्रीकल्चर एंड साइंस भी आपका, एग्रीकल्चर और साइंस से आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। मैं उन कैंडिडेट के लिए भी बता दूं जो अभी 12th में हैं, तो वो अभी 12th में वैकेंसीज के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अभी 12th की स्टडी कर रहे हैं तो वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। और एक चीज़ और है, रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के किसी भी ऑफिस, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी तक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में और आप इस एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, तो आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाइए किसी भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, ठीक है। एक दिन का प्रोसीजर होता है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं और वहाँ से फॉर्म को वहाँ फिल करके आपको एक कार्ड मिलेगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड। वो तो वो उस रजिस्ट्रेशन कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, तो वो आपको फॉर्म में फिल करना होता है। तो जब तक इस फॉर्म की डेट है उससे पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, अगर नहीं हुआ है तो। अगर हुआ है तो अच्छी बात है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका? कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड रिटन एग्ज़ाम। तो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएगा, किस बेस पे होगा? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप होते हैं और छोटा, कोई ज़्यादा टिपिकल है नहीं, छोटा होता है, कोई इसमें हार्ड वर्क नहीं होता जैसे आर्मी में होता है, तो ऐसा कुछ है नहीं, छोटा सा है, आप इजीली कर सकते हैं। और एक रिटन एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का, तो इसके बारे में आगे आपको बताता हूँ। देखो, फिज़िकल की अगर बात करें, फिज़िकल में हम मेल कैंडिडेट्स जो हैं 163 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट 84 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब छाती को फुलाना, ठीक है, 84 सेंटीमीटर। और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट, 79 चेस्ट एंड 5 एक्सपेंशन उनका भी। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसमें, वो है एससी एसटी के जो उत्तराखंड के हैं, गोरखा जो हैं, नेपाली जो हैं, असम जो हैं, लद्दाखी हैं, सिक्किम हैं, भूटानी हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, नागा, आंध्रा, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, जो ये लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं और काफ़ी साल से उत्तराखंड में रह रहे हैं और उत्तराखंड की नागरिकता उन्हें मिल चुकी है और ये इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जो, और वो जो मेल हैं तो मेल के लिए उन्हें 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और फीमेल के लिए अगर वो इन कैटेगरी में कोई है तो वो फीमेल के लिए 145 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो हाइट में छूट मिल रखी है, रिलैक्सेशन मिल रखा है। अगर हम एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात करें तो जो जनरल और ओबीसी वाले हैं उनके लिए 300 रुपये का पे करने पड़ेंगे उसे, 300 रुपये, और जो एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन ऑफ उत्तराखंड है उन्हें 150 रुपये क्या करने पड़ेंगे, फ़ी देने पड़ेगी, ठीक है, एग्ज़ाम फ़ी।
और ओबीसी केवल उत्तराखंड के जो हैं, ठीक है, जो बाहर से कहीं ओबीसी से हैं उनके लिए ये नहीं है 300, उनके लिए भी 300 है, सॉरी, ठीक है। और हम कैसे फॉर्म को भर सकते हैं? नॉर्मली तो इसमें यही है कि आप उत्तराखंड के निवासी हैं, उत्तराखंड में आपका डोमिसाइल है, यानी आपका मूल निवास उत्तराखंड का है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यानी एक कॉम्पिटिशन और कम हो गया आपके लिए कि केवल उत्तराखंड का बंदा ही इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। हाँ, अगर हम बात करें एग्ज़ाम फ़ी को हम कैसे भरें, तो नेट बैंकिंग के थ्रू हम एग्ज़ाम की फ़ी सबमिट कर सकते हैं डेबिट कार्ड यानी एटीएम से, और क्रेडिट कार्ड और ई चालान थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा अगर किसी भी ब्रांच में जाइए तो वहाँ से एक चालान बनवा दिए UK SSSC के नाम पे, ठीक है। और आगे बात करते हैं हम सैलरी की। अगर बात करें तो इस पोस्ट के लिए सैलरी 21,700 से 69,100 तक इसको वेरी करेगी, यानी 21,700 स्टार्ट होगी और ये बढ़ती जाएगी 7,100 तक, ठीक है। तो आप देख रहे हैं काफ़ी सैलरी है, तो सैलरी का कोई बड़ा इश्यू है नहीं गवर्नमेंट में। और दूसरी बात, गवर्नमेंट की जॉब है, सिक्योरिटी है आपकी जॉब की, तो हर कोई आज गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहता है, तो आप जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। टाइप ऑफ एग्ज़ाम देखो, एग्ज़ाम कैसा होगा, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम होंगे, 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। इंटरमीडिएट साइंस और एग्रीकल्चर के बेस पे ये एग्ज़ाम होगा, यानी इंटरमीडिएट में जो साइंस आपने पढ़ी है और एग्रीकल्चर के बेस पे ये क्वेश्चंस दिए जाएंगे 100 मार्क्स। दूसरी एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे इस पोस्ट के अंडर वीडियो बनाऊं, तो मैंने टॉपिक्स चूज करे हैं अभी, और उसमें मुझे लगभग 3 दिन लगे हैं उस टॉपिक को चूज करने में, और काफ़ी बुकें मैंने देखी हैं, नेट से मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाली है। तो श्योरिटी है, अगर कोई इसमें अगर फॉर्म भरना चाहता है और अगर चाहते हैं कि तैयारी, देखो हर कोई आदमी अपना काम करता रहता है साथ में, तो सडनली इनका तो उत्तराखंड में तो पता भी नहीं चलता कि कब वैकेंसीज आई हैं, और वैकेंसी आ भी गई, फॉर्म भर भी दिया, तो एग्ज़ाम का तो कुछ पता ही नहीं होता। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए मैं वीडियोज़ बनाऊँ, श्योरिटी है मेरी कि इसमें 70 मार्क्स का क्वेश्चन, तो मिनिमम 70 मार्क्स, मैक्सिमम मैं 100 तो बोल नहीं सकता, लेकिन मिनिमम बोल सकता हूँ कि 70 मार्क्स का तो मेरी वीडियो से ही आएगा। 15 से 20 वीडियो होंगी उसमें, एक एक घंटे की। आप अगर 2 बार वो वीडियो, आपने पेन भी नहीं उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप सोते टाइम अगर 1 घंटा डेली, तो 15 दिन में आप क्या कर सकते हैं, 15 वीडियोज़ देख सकते हैं, 15 से 20 वीडियोज़ होंगी, आप सारी वीडियो देखिए, वीडियो देख के केवल एग्ज़ाम देने जाएंगे, 70% तो मेरी गारंटी है कि वहीं से आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अगर आपको अगर मुझे वीडियो बनानी है, अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि जब फीडबैक मिलेगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, एल्स मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि जब आप इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे तो वीडियो बनाने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं वही टाइम किसी और वीडियोज़ में बनाने में टाइम स्पेंड करूँगा। अप्लाई आपको कैसे करना है, www.ssc.uk.government.in, ठीक है, इस वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाइए, ठीक है। तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देखो इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात करें, अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 8 अगस्त 2017 टू 20 सितंबर 2017, यानी 8 अगस्त से 20 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 20 सितंबर रात 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। करने का कोई भी आपका इश्यू है तो वो 23 सितंबर तक आप फॉर्म के लिए फ़ीस जमा कर सकते हैं। और फाइनली इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी, आपको श्योर है कि आप क्लियर हो चुका होगा आपको काफ़ी कुछ। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर दीजिए, और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ इस टॉपिक पे, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, मैं बिल्कुल आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, और श्योरिटी है मेरी कि 70% क्वेश्चंस मेरी वीडियो से आएंगे, 15 से 20 वीडियो होंगी, वहीं से 70 क्वेश्चंस मिनिमम आएंगे, मैक्सिमम 80 भी आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 70 आएंगे ही आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लोगों को बहुत कम पता होता है वैकेंसीज़ के बारे में कि ये वैकेंसीज आई हैं। कभी कभी लोगों को लास्ट में पता चलता है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, उस सॉरी
आपको जिस दिन फॉर्म भरना है लास्ट डेट चली गई उसके बाद पता चलता है। फिर आप सोचते हो यार काश हमें पता होता तो हम डेफिनेटली भरने के इच्छुक थे। तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई ना भरे फॉर्म, सब फॉर्म भरो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी वैकेंसीज हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और